everyone and welcome back to my channel. In case you are new, then don't forget to subscribe and press the notification bell on because my regular videos upload karungi, so I don't want you guys to miss it. So make sure that you press that bell icon. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ. सो आज का वीडियो है चारकोल मास्क क्रीम. आप पैकेजिंग देख सकते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है. मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है. ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होगा, नायका पे, अमेजोन पे, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं. और 175 रुपीज़ का मिला है. इसकी क्वांटिटी है 130 ग्राम्स और इसकी लाइफ है 3 इयर्स, विच इज़ नॉट अ बैड डील. ऑल्सो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. बट ये कैसा है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, डिजायर्ड रिजल्ट देता है कि नहीं, वो हमें इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा. इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मेक श्योर आप मेरा पूरा वीडियो देखें. और ऑल्सो ये गर्ल्स और गाइस दोनों ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चारकोल मास्क क्रीम की सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज ये होता है कि आपकी स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसको निकाल देता है. आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी, ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे या फेशियल हेयर्स होंगे, वो सब वो रिमूव करता है. तो चलिए इसका डेमो स्टार्ट करते हैं. ओके मेरा फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपने फेस को स्टीम करना है. व्हाई? बिकॉज जब हम स्टीम लेते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो थोड़े से ओपन अप हो जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हमारे स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाएगा. स्टीम लेने के लिए आप क्या करें, पानी को गर्म कर लें और एक क्लीन टॉवल लेके मैंने डिप कर लिया वॉर्म वाटर पे और अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें. ओके मैंने स्टीम ले लिया है. द नेक्स्ट स्टेप है कि आप इस क्रीम को अपने फेस पे पूरा अप्लाई करें. कैसे अप्लाई करना है वो देख लीजिए. प्रोडक्ट को मैं अपने हैंड पे ले रही हूँ. ओके इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक है प्लस रनी भी है. तो मैं इसको अपने फेस पे लगा लूँगी हेयर ग्रोथ डायरेक्शन में. मेक श्योर आप आईज के पास में ज्यादा ना लगाएं बिकॉज ये आपको हर्ट कर. ओके सो ये मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया है और मैं इसको एटलीस्ट 15-20 मिनट्स छोड़ दूंगी ताकि ये ड्राई हो जाए. उसके बाद में आई विल बी बैक. ओके सो इट्स ऑलमोस्ट डन. 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको लगाया हुआ था और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है. लाइक मेरा फेस बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है. सो मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ. It's a little bit painful. It's not coming out. Okay, now let's clear it. Also, white heads.
सो मैंने ये मास्क निकाल दिया है, थोड़ा सा इधर उधर बचा था वो मैंने वाटर से हटा दिया है। सो माय थर्ड स्टेप इज कि टेक एन आइस क्यूब और उसके बाद आप अपने फेस को आइस से मसाज कर दीजिए अच्छे से, बिकॉज़ जो हमने अपने पोर्स को ओपन किया था स्टीम लेके, अब हम उसको क्लोज करेंगे क्योंकि हमारी सारी पूरी क्लीनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। ओके सो एक्सपीरियंस की बात करें, मेरा फर्स्ट टाइम पीयर ऑफ मास्क था ये, बट मुझे ज़्यादा पेनफुल नहीं था, बहुत हल्का सा फील होगा जहाँ पे आपके हेयर्स हैं, लाइक मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा था, बाकी मुझे फेस पे कहीं पे भी ये फील नहीं हुआ। गाइज एंड गर्ल्स जो भी ये यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आपको कोई अफोर्डेबल चाहिए जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और मास्क को आपकी प्रॉब्लम्स को, डेड स्किन और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव कर दे, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। सो इट्स अ रैप, और आपको कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट हो तो भी बताइएगा। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सी यू ऑल।